किसका पासपोर्ट लेके घूम रहे हो? किसी का पासपोर्ट लेकर क्यों घूमूंगा, ये मेरा है। तुम अपना पासपोर्ट कहाँ ले जा रहे हो? मैं जा रहा हूं। पासपोर्ट लेके कहाँ जा रहे हो? पासपोर्ट लेकर नहीं जा रहा, हॉलैंड जा रहा हूं, वीजा लग गया मेरा। ये अचानक तुम्हें हॉलैंड जाने की क्या सूझी भला? बात तो सुन ले, मैं हमेशा के लिए जा रहा हूं। हमेशा के लिए? लेकिन क्यों? बस मुझे यहां नहीं रहना। वो तुम्हारा मिनिस्टर बनने का ख्वाब, उसका क्या होगा? सब छोड़ दिया मैंने, पार्टी से रिजाइन कर दिया। तुम्हें बैठे बिठाए सूझी क्या है अरशद? मामू ने मुझे वहां स्टोर लेकर दिया है, बस अब वही स्टोर चलाऊंगा और वहीं रहूंगा। अच्छा, तो एक बार फिर तुमने अपने मामू से भीख मांगी है और भीख में उसने तुम्हें स्टोर खोल दिया। हाँ, आपको जो समझना है समझ लें, मामू ठीक कह रहे थे, और जैसा सीधा साधा इंसान सियासत में नहीं चल सकता। तुम्हारे बाप का कातिल है वो, और तुम उसकी बातों में आ रहे हो? क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपने बाप को देखा ही नहीं, जब से होश संभाला है मामू को देखा। अब वही मेरे बाप है, और हमारे कौन से घर थे, कौन सी जायदादें थी? आपको, मुझे, नायला को, हम सबको मामू ने ही तो पाला है, उन्होंने ही रखा है। वो कह रहे थे कि अगर आप सियासत में होती तो बहुत कामयाब रहती। आप हॉलैंड साथ चलेंगी? ये भी तुम्हारे मामू ने कहा है? नहीं, ये आपका बेटा क्या? परसों फ्लाइट है। हाँ, खाजा को अंदर भेजो। हेलो सर, ऑफिस में सर। ठीक ठीक है जी, ये गाड़ी सर। सर, ख्वाजा एक अर्जेंसी है, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे आने तक ऑफिस में रहना। राइट सर। ओके, okay?
हेलो, हाँ नीलम, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, तुम कहाँ गायब हो? बस यार, आजकल जरा कुछ कामों में मसरूफ हूँ। मम्मी लंदन से वापस आ गए हैं। अच्छा, चलो दैट्स गुड। कब आई? बस कुछ दिन हुए। फिर मैं अम्मी से बात करता हूँ। क्या? अरे भाई, तुम्हारे घर आने के लिए। ठीक है ठीक है। अच्छा सुनो, आई हैव टू गो समवेयर, मैं फिर शाम में घर पहुंच के तुमसे बात करूंगा। सुहेल। हाँ बोलो। आर यू श्योर कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? क्यों, कोई शक है क्या? ओके, बाद में बात करते हैं। ओके, ख्याल रखना। इट मींस के खान ही सरवत को सपोर्ट कर रहा है और हमें डबल क्रॉस कर रहा है वो। यस सर। जमानिए सबूत तुमने खुद इकट्ठे किए हैं? एब्सोल्युटली सर। और कुछ? सर और ये कि खान सरवत को मना कर रहा है कि वो गवर्नमेंट में ना जाए, अपोजिशन में ही रहे। आर यू श्योर? वेरी मच सर। खान का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, पानी सर से ऊंचा हो रहा है। ये सुहेल कहाँ है, नजर नहीं आ रहा? वो आते ही होगा, आप जब तक लें। चलें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सो सॉरी बाबा, आज ट्रैफिक इतना था, बस थोड़ा लेट हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बाबा वो शिबाना आंटी लंदन से वापस आ गई है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं चाह रहा था कि आप दोनों मेरे साथ उनके घर पे चलें। बिल्कुल, कोई जरूरत नहीं है। आखिर क्यों? अब ये भी मैं बताऊं क्यों? याद नहीं है पिछले हफ्ते मिस्टर एंड मिसेस हामिद आए थे, हमने उनकी बेटी से तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया। हमने नहीं, सिर्फ तुमने, क्योंकि मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूं। आप क्यों उस बच्चे को शह दे रहे हैं? क्या आप खान और उसकी फैमिली को नहीं जानते? मामा आखिर उनकी फैमिली में प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूं। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मैं कहूंगी। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? जवान औलाद है, चाहता है वो नीलम को, और ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो। बच्चे तो हर चीज के लिए जिद करते हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम उन्हें हर चीज दिला दें। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। थैंक यू। शो कैसा जा रहा आपका? स्मूथ सेलिंग। नाइस। इसका मतलब ये है कि अब आप गहरे पानियों में जाना चाहती हैं। कोशिश तो है, लेकिन मेरी बोट का इंजन इतना ताकतवर नहीं है। आप अपने शो में मिस्टर खान को इनवाइट करना चाह रही हैं? जी। क्या वो इस बात पे राजी हैं? जी हाँ। आपने जो फाइल हमारे पास भेजी है, हमने काफी गौर किया इस पे। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपके लिए और आपके फादर के लिए काफी रिस्की हो सकता है? किसी को तो रिस्क लेना है ना, इस मुल्क के लिए। लेकिन ये शो मिस्टर खान के खिलाफ है।
फिर भी सर ये शो मेरे वालिद के खिलाफ नहीं है बल्कि इस मुल्क के करप्ट सिस्टम के खिलाफ है। हाँ हाँ मैं आपसे एग्री करता हूँ लेकिन ये इंतहाई रिस्की भी हो सकता है, आप एक दफा सोच जरूर लें। एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मुझे ये रिस्क मोल लेना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान सबसे पहले। आप जिन सबूतों के बिना पर मिस्टर खान से सवालात करेंगी इल्ज़ामात लगाएंगी सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल मौजूद हैं? जी मेरे पास वो सब कुछ मौजूद है, मैंने मुकम्मल रिसर्च किया है, जैसे लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, मिसिंग पर्संस का जो केस है, मेरे पास सारे सबूत रिकॉर्ड्स के साथ हैं। आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। Go ahead. So, Neelam, carry on with your show. आप ये शो कर सकती हैं। Thank you, sir. क्या देख रहे हैं सर? देख रहा हूं खाते हुए इंसान कितना मासूम लगता है। कभी गौर नहीं किया। इंसान चाहे कितना ही जालिम और सफाक क्यों ना हो, खाते वक्त बेचारा सा लगता है। हम जैसे लोग ना खाएं तो ज्यादा बेचारे लगते हैं सर। मेरी एक बात तो बताओ, तुम्हें कभी यह एहसास हुआ है कि जो तुम करते रहे हो वो गलत है? इस मुल्क में हम जैसे लोगों के साथ जो किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो सही है? ये जरूरी तो नहीं है कि एक गलती का जवाब दूसरी गलती करके दिया जाए। तुम पढ़ते लिखते, मेहनत करते, अच्छी सुकून वाली जिंदगी गुजारते हैं, ये कहां गुनाहों के दलदल में फंस गए तुम? पढ़कर कौन सा तीर मार लेता, लड़की ही तो करनी थी किसी ऑफिस में। उस क्लर्की में ज़हनी सुकून तो होता? सुकून? बाफ्रूट का ठेला लगाता था, नशे की लत में ऐसा पड़ा कि सब कुछ खत्म कर दिया उसने। मां बेचारी स्कूल में काम करती थी, मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए। और स्कूलों में कैसी पढ़ाई होती है वो आप जानते हैं, सर जाम रहते थे, वहां जिंदगी नहीं, कचरे का ढेर होता था। देखो मेहरू, कोई भी कचरे में रहना पसंद नहीं करता। तुम पढ़ते लिखते मेहनत करते निकलते उस गंध से, उस कचरे से, लेकिन तुमने हथियार उठाने को तरजीह दी है ना? वैसे तो मैं इंटर पास हूं लेकिन अगर ग्रेजुएशन भी कर लेता तो क्या तीर मार लेता, ये आप भी जानते हैं। जब जुल्म होगा तो आदमी कलम नहीं हथियार उठाएगा। मेहरू तुमने कोशिश नहीं की, अगर तुम कोशिश करते तो तुम्हारा साथ दिया जाता। रियासत में ऐसे इदारे हैं जो ऐसे लोगों की मदद करते हैं, वजीफे दिए जाते हैं उन लोगों को, प्रमोट किया जाता है। रियासत, रियासत ही की वजह से तो ये हाल हुआ है अवाम का। अगर रियासत अवाम के लिए कुछ कर रही होती तो अवाम यूं भिखारियों की तरह जिंदगी ना गुजार रही होती। रिएक्शनिस्ट लगते हो मुझे तो। वही समझे, खान के पास आए तो खान ने काम तो सारे टेढ़े लिए लेकिन जिंदगी वो दी जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिली। जहां जाता लोग अदब से खड़े हो जाते, झुक के सलाम करते, और क्या चाहिए था मुझे? वो तो ठीक है लेकिन अब जो कानून करेगा तुम्हारे साथ, जो जुर्म तुम कर चुके हो उनकी सजा तुम्हें मिलेगी,
इसके बारे में क्या ख्याल है? ये तो होना ही था, क्योंकि मैं इस बात के लिए तैयार था, इसलिए कि रोजाना मरने से तो बेहतर था कि मैं एक दिन ही मर जाता। इसीलिए मैंने इस जिंदगी का इंतखाब किया। एक बात बताओ, तुम्हें इस बात का एहसास नहीं होता कि तुम्हारा भी एक घर होता, टीवी होती, बच्चे होते, एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजारते तो? अरे जमान साहब, शादी करवा के बीवी बच्चों को लेकर किराए के किसी मकान पे रह रहा होता, ईद पे किसी और के बच्चों को खुश होते देखकर या तो अपने बीवी बच्चों को मार लेता या खुद खुशी कर लेता और फिर हवालात में जाकर अपनी गिरफ्तारी दे देता। कितनी आसानी से ये सब कह दिया तुमने, लेकिन मेरे ये भी तो सोचो कि तुम्हारे कंधों पर इस मुल्क की भी जिम्मेदारी है। सिस्टम को गाली देते हुए हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हमारी अपनी भी कोई जिम्मेदारी थी जो हमने पूरी नहीं की, और ये कि हम खुद सिस्टम हैं, हम खुद सिस्टम हैं। ये आप कह रहे हैं? ये सियासतदान जो पैसे देकर हम जैसे गरीब लड़कों को खरीदते हैं और फिर लैंड माफिया से लेकर टारगेट किलिंग तक, पत्ताखोरी से लेकर अगवाकारी तक सब काम हमसे करवाते हैं और फिर आखिर में गोलियां भी हमें ही खाना पड़ती हैं। हम इस सिस्टम की मशीन के जंगाल ऊपर से हैं, क्या फर्क पड़ता है सिस्टम में रहें या ना रहें, हमें पूछता ही कौन है। I'm sorry, मेहरू, मैं सिर्फ तुम्हारे जमीर की आवाज सुनना चाहता था जो तुमने खुद कई सालों से नहीं सुना। आवाज तो हमेशा आती थी, लेकिन पांव में ऐसी जंजीर थी जिसे मैं कभी तोड़ नहीं पाया। वो क्या कहते हैं उस मखलूक को जो दूसरी दुनिया में रहती है? एलियन। एलियन, हाँ एलियन, हम लोग एलियन हैं। ये मुल्क हमारा नहीं है, ये हमारा ये मुल्क। नहीं मेहरू, ऐसा भी नहीं। अब जो काम तुम करने जा रहे हो उसका सिला आने वाली नस्लों को जरूर मिलेगा। तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल तैयार। नो वरीज। मम्मी क्या है, अब क्यों रो रही हैं? रोने के अलावा मेरे पास चारा ही क्या है? एक एक करके मेरे सारे सहारे छिन रहे हैं मुझसे। अपनी माँ की फिक्र है या तुम लोग अपनी दुनिया में मगन रहोगे बस? अम्मी बेटियों को तो अपने घर जाना ही होता है ना, और मैं कौन सा अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैं तो आपको भी कह रही हूँ आप जाए यहाँ से। मैं भाई को बोलती हूँ कि आप उनके साथ ही चली जाए। कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहीं नहीं जाना। ठीक है अम्मी, फिर मर्जी आप। हाँ हाँ, देख लेना सारे इंतजाम, और मैंने फाइल्स मेल कर दी हैं। ठीक है, खुदा हाफिज।
सर्वत से बात की तुमने? हाँ, हुकूमत में आने के लिए वो किसी सूरत तैयार नहीं है। वो खान के इशारों पर चल रही है। मुझे खान और सरवत की लव स्टोरी सुनाने के बजाय सरवत को कन्विंस करते, तुम्हें भेजा क्यों गया था वहां? कम ऑन यार, वो बहुत चालाक औरत है। औरत कितनी ही चालाक क्यों ना हो, बहुत जज्बाती होती है। हाँ, खान उन्हीं जज्बात से ही तो खेल रहा है। बिसात तो हमने भी बिछा रखी है। और मोहरा कौन है? एसपी जमान। क्या? लेकिन वो तो खान का खास आदमी है। तुम जमान को नहीं जानते, वो बहुत काबिल ऑफिसर है और इंटेलिजेंट भी। और बिलीव यू मी, अगर जमान ना होता तो हम खान के किर्द घेरे डालने का सोच भी नहीं सकते थे। और मैं आज तक समझता रहा कि वो खान का आदमी। वालेकुम अस्सलाम जमान, तुमने एक पुराने एफआईआर का जिक्र किया था। हाँ, तुम एक काम करो, उसकी एक कॉपी शबाना को भिजवा दो, और ख्याल रहे खान को इसका पता नहीं चलना चाहिए। बी वेरी केयरफुल। ओके। कैसी एफआईआर? खान के खिलाफ एक पुरानी एफआईआर कट गई थी जिसमें उसने किसी और का जुर्म अपने सर लिया था और ये जाना पड़ा था। I see. तो उसकी एक कॉपी सरवत को भी भिजवा लो। सरवत का इस एफआईआर से क्या ताल्लुक? खान का तो है ना, प्रेशर बढ़ेगा और ब्लैकमेलिंग अलग से। खान की जिंदगी का आखिरी दिन बहुत करीब आ रहा है। तुमने जो मुझे क्वेश्चंस व्हाट्सएप किए थे ना, उनकी हार्ड कॉपी मुझे बना के भेज दो। ओके। और तुम ये देख लो। ओके। कहीं हम कुछ मिस ना कर दें। हाँ, हमने सारे इश्यूज डिस्कस करने हैं, लाइव शो है, टाइम नहीं है। ओके, मैं रिव्यू कर लेती हूँ। रिव्यू भी कर लो और इससे भी टैली कर लो, यहाँ पॉइंट्स लिखे हुए, मुझे ईमेल कर देना। अस्सलाम वालेकुम सर। काम हो रहा है? या दो दिन रह गए। आई नो। तुमने बाबा को फोन किया? अभी तो बात नहीं की, बट मैं बात कर लूंगी, डोंट वरी, वो आ जाएंगे। और अगर नहीं आए तो यार बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर वो नहीं भी आते ना तो मैं उन्हें लाइव कॉल पे ले लूंगी। यार आई एम वेरी नर्वस, इस प्रोग्राम के बाद बहुत उथल पथल होनी है, तुम कैसे फेस करोगी? यार देख लेंगे। सलाम है तुम्हारे करेज और जज्बे को यार, इतना बड़ा स्टेप और अपने घर से, सलूट है भाई। थैंक्स। लेकिन बासित, मुझे बहुत डर लग रहा है कहीं बाबा को कोई नुकसान ना पहुंचे। जमान है ना, केयर कर लेगा। तुमने जमान को फोन किया? आई टोटली फॉरगॉट। अभी करो फौरन। ओके, यू गाइस गेट बैक टू वर्क, मुझे फिर दिखाना। हाँ, ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। कॉफी है? ला दे। हेलो, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तो फाइनली तुम्हारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। तुम्हें कैसे पता चला? हमारा भी एक नेटवर्क है जो एक्टिव रहता है। जमान, मुझे बाबा के लिए डर लग रहा है, कहीं उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा? Don't worry about him. खान साहब की जिम्मेदारी मेरी है। Thanks a lot. Okay. Bye. आओ,
बेगम साहिबा ये आया है। जाओ। जी अच्छा। हेलो। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, आप जरा घर पे आ सकती हैं? क्यों, खैरियत है? आएंगी तो बात करेंगे, मैं गाड़ी भिजवाऊँ। अच्छा ठीक है। सर हमने सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है, जैसे ही खान चैनल की बिल्डिंग में दाखिल होगा पूरी बिल्डिंग घेर ली जाएगी और प्रोग्राम के बाद बाहर आती उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गुड, चैनल वालों को कॉन्फिडेंस में ले लिया ना? जी सर। नीलम और उसकी टीम को ऐसे ही लगे जैसे सब कुछ लाइव हो रहा है, लेकिन एवरीथिंग शुड बी रिकॉर्डेड। बाद में हम अपने मतलब के सीन्स लगाएंगे, बाकी सब कुछ सेंसर। सर घर और ऑफिस का ऑपरेशन सामान की निगरानी में होगा। ऊपर वाले बहुत खुश हैं आपकी परफॉर्मेंस से, मेरे ख्याल से आप प्रमोशन की तैयारी कीजिए। हेलो अब्दाद, मेरे पास एक पुराना एनवेलप आया है। कैसा लिफाफा? इसमें एक पुरानी एफआईआर लगी है, तुम्हारी एफआईआर। मुझे लग रहा है मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा है। तो मैं काम करो, उस एफआईआर को चला दो, बाकी मैं देख लूंगा। ओके ठीक है। पर सच सच बताएं, क्या ये एफआईआर असली है? हाँ एफआईआर असली है, पर इल्जाम झूठा था। मैं कुछ समझी नहीं। हकदाद ने वो इल्जाम किसी को बचाने के लिए अपने सर ले लिया था। क्या उन्होंने किसी और का इल्जाम अपने सर पे ले लिया? लड़की कौन थी? सरवत। लेकिन वो तो सरवत से मोहब्बत करते थे। यही तो नाइंसाफी हुई उसके साथ। समझ में नहीं आ रहा। फिर अकदात को जेल हो गई, वो जेल चला गया, हम गांव में रहने के काबिल न रहे। मेरे वालिद का तो इस सदमे से इंतकाल हो गया। मैं भी रिश्तेदारों के यहाँ पली बढ़ी। 6 साल के बाद अकदात जेल से आया, फिर वो गांव गया ताकि बात साफ हो सके, सरवत से मिले, पर वो वहाँ थी नहीं। जाहिर है इतनी बदनामी के बाद वो गाँव में कैसे रह सकती थी।
बहुत बुरा वक्त था वहां पे, बहुत बुरा। तुमने वाकई मुझे सब कुछ बताना छोड़ दिया है। अब ये क्या है? खुद ही देख ले। तो ये तुम्हारे पास भी आ गई है? मेरे पास भी क्या मतलब है, और किसके पास गया ये? सरवत के पास। पापा ने तो सब कुछ बता दिया होगा तुम्हें। हुँ? बहुत कुछ बताया, लेकिन मुझे ये नहीं बताया कि किसका इल्जाम आप अपने सर पर लेके बैठे हुए हैं। अभी मैं ये सब कुछ तुम्हें बताने की पोजीशन में नहीं हूं, इसलिए प्लीज इस बारे में अभी कुछ मत पूछना। बहुत बड़ी मजबूरी होगी है ना, इतना बड़ा कदम, इतना बड़ा इल्जाम लेना अपने सर पे। क्या मजबूरी थी आपको? अपने अब्बा की वजह से, गुलाम थे। क्या करते हैं? जागीरदारों के तलू में रहने वाले सवाए हुक्म मानने के और कुछ नहीं कर सकते। आज आप पहली बार मुझे सही से समझ में आए। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। ये FIR की क्या स्टोरी है जमान? ये बार कैसे आई? बेग साहब ने मंगवाई थी। ठीक है, अपडेट रखना मुझे। श्योर। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। सो बाबा, मैं आपको ना अपने शो पे बुलाना चाहती हूँ। शो पे? लेकिन मैं क्या करूंगा तुम्हारे शो पे आके? ना ही मैं कोई सियासतदान हूं, ना ही कोई बहुत बड़ा लीडर। मेरा क्या काम तुम्हारे शो पे? मगर सोशल वर्क तो है आप, मेरा शो उसी पे है। सोशल वर्क? तो एक काम करते हैं, रजा को भेज दूंगा मैं, क्योंकि मेरे सोशल वर्क का जितना भी काम है सब वही देख रहा है, उसे ज्यादा नॉलेज है। नहीं नहीं बाबा, रजा नहीं, आपको आना होगा। अरे लड़की, तुमने तो जिद्दी पकड़ ली। ऐसा ही समझ ले। अच्छा, तो क्या पूछोगी मुझसे? यही, आपकी लाइफ के बारे में पूछूंगी, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी आइडियोलॉजी। मेरी आइडियोलॉजी? मेरी आइडियोलॉजी?
मेरी आइडियोलॉजी तो तुम लोग हो, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे। तो फिर आप आएंगे ना? सवालनामा दिखाऊं? या श्योर, बिल्कुल। मजाक कर रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है। आजकल ये TRPs रेटिंग बड़ा मसला बना हुआ है ना? हाँ, मसला तो है। डोंट वरी, आऊंगा मैं। हाउ कैन आई से नो टू माय डॉटर? हाउ कैन आई? मसला तो बना हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, आऊंगा मैं। ये FIR नहीं है, तौहीन है हमारे मैंडेट की, हमारे वोटर्स की बेइज्जती है। ये शर्म का मुकाम है हमारे खानदान के लिए। अब्बा जी, आप खामखा इस बात को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, इस FIR में तो कहीं भी मेरा नाम नहीं है। याकूब, ये लो, देखो इसे, गौर से पढ़ो। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाई? नहीं अब्बा जी, मैंने आपसे कोई बात नहीं छुपाई। अरे हमारे खानदान में तो औरत के दुपट्टे का पहलू भी बदल जाए तो खानदान की इज्जत पे हर्फ आता है। इस FIR ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। वो एक मिनट, जमील ने तुमसे पसंद की शादी की थी। जमील मुझे सबसे ज्यादा अजीज था। जब उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया तो मैं राजी हो गया, लेकिन तुमने जमील की मोहब्बत का मजाक उड़ाया है, धोखा दिया है उसे। अब जवाब क्यों नहीं देती? बुद्ध बनी क्यों खड़ी हो? तो ठीक है अब्बा जी, मैं चली जाती हूं यहां से। ना मैं यहां रहूंगी, ना लोग आप पे उंगली उठाएंगे। ठहरो, तुमने जमील की सीट जीती है और ये सीट हमारी आबाई सीट कहलाती है। तुम कहीं नहीं जा सकती। अब वैसे भी इलेक्शंस तो हो चुके हैं, FIR से क्या फर्क पड़ता है? किसने की है ये हरकत? खान के अलावा और कौन हो सकता है? क्यों सरवर? ये कमी कमीन हमेशा छोटे ही रहेंगे। अगर ये उसे इतनी ही पसंद थी तो शादी क्यों नहीं कर ली उसने?